नमस्कार, बोल के अब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, पिछले 2-3 दिनों से रेलवे भर्ती को लेकर छात्रों में जबरदस्त आक्रोश था। कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, कई जगहों पर आगजनी हुई, कई जगहों पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया, मगर कई जगहों पर पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से कूटा, पीटा, हिंसा का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से छात्रों को सड़कों पर आना पड़ा और रेलवे पटरियों पर धरना देना पड़ा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। अब पुलिस ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। कुछ नाम मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से। खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर, FIR दर्ज कर दी गई है इन प्रोफेसर्स के खिलाफ। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में छात्रों को बरगलाया, भड़काया, जिसके चलते ये तमाम हिंसा हुई। यह भी आरोप लगाया गया कि इनमें से कुछ प्रोफेसर्स ने यह कहा कि आपको किसानों से सीखना चाहिए, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं उसी तरह से छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि क्या कह रही है दैनिक भास्कर की खबर। FIR के बाद खान सर फरार, इनमें से एक खान सर हैं। कोचिंग बंद और मोबाइल भी स्विच ऑफ किया। RRB NTPC अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप, खान सर को गिरफ्तारी का डर। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। FIR दर्ज होने के बाद खान सर अपनी पटना वाली कोचिंग को बंद करके फरार हैं। बुधवार यानी 26 जनवरी को बिहार के कई जिलों में छात्रों ने स्टेशनों पर उग्र प्रदर्शन किया, कई जगहों पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद खान सर समेत 6 कोचिंग संस्थान संचालक शिक्षक पर पत्रकार नगर थाना में केस दर्ज किया गया। इसके बाद आज सुबह से खान सर गायब हैं, उन पर FIR दर्ज किया गया है। मैं आपको बताता हूं, जिस खान सर का यहां जिक्र हो रहा है वो एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, खान GS रिसर्च सेंटर। मैं आपको पटना के कुछ विद्यार्थियों की आवाज सुनाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना है इनका अपने खान सर, अपने बाकी सर्स के बारे में, सुनिए। स्टूडेंट लोग इसे किस रूप से नहीं लेंगे। कल खान सर आकर, कल खुद लाइव उन्होंने बोला है कि मैंने स्टूडेंट को रोका है इस प्रोटेस्ट के लिए। खुद उन्होंने एक दिन पहले, 26 जनवरी के एक दिन पहले भी अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें बोला था कि ऐसा प्रोटेस्ट ना होना चाहिए 26 जनवरी के दिन, चूँकि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया हावी रहते हैं हमारे ऊपर, ताकि इस देश की कोई भी ऐसी प्राइवेसी जो है वो हमारे देश से बाहर ना जाए, जिसके कारण कल भी आके, कल मीडिया में भी कल बोले हैं सर कि मैंने प्रोटेस्ट को रोका है। जो भी हुआ है ये पटना के अंदर सारा जो माहौल है उन्होंने शांत किया है। हाँ, पटना से बाहर का जो मैटर हुआ है उसके लिए भी उन्होंने लाइव वीडियो, जो कि उनके वीडियो जो 40 घंटा पहले जो आना चाहिए था, रात में 2 बजे उनका अपलोड हुआ जो वीडियो, जो कि सुबह में 6 बजे दिखाया गया है, उसके बाद ये सुबह में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर सुबह में जो कि आउट ऑफ ये पटना से बाहर जो भी घटना हुआ है उसके लिए कोई जिम्मेवारी, और खान सर हम लोग के साथ हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस स्तर से लड़का लोग पढ़ रहा है, किस स्तर से कितना दिन से क्या लेट हो रहा है एग्ज़ाम में, और इनमें उनका कोई दोष नहीं है, खान सर का कोई दोष नहीं है। वो स्टूडेंट के साथ आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो एक शिक्षक हैं। खान सर पर तैयार हुआ है, वो कितना जायज़ अपमान करोगे? नहीं, जायज नहीं है, वो जायज़ नहीं है, वो जायज़ है ही नहीं, क्यों जायज़ है? किसी टीचर का ऊपर कैसे फायर करिए? अब अपना देख रहे हैं, 4 साल पर सरकार एग्ज़ाम दे रहा है, रेलवे कहाँ बैठा हुआ? रेलवे कमेटी को बैठना चाहिए ना जी, कि कोई किसी कोई भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पीछे पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, गार्जियन दे रहा है, वो लोग, हम लोग जानते हैं कि मेरे पैसा पिताजी कहाँ से लाते हैं। और आप 92 पर लाइएगा, 100 में 100 पर कहीं लाता है जी? एक तो पहले फेज का इन लोग का एग्ज़ाम का कोई सेशन सही नहीं चल रहा है, है? और वो भी जो लेवल है, लेवल का तो कहना नहीं है, एक एक पेपर जो है एकदम 100 में 100 लड़का मार कर आ रहा है, और दूसरा में जो आ रहा है 50 भी नहीं बना पा रहा है। क्यों? हार्ड मत दीजिए, इजी भी मत दीजिए, जो एक फेज है उसे एक फेज में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। खान सर पर उसकाने का आरोप लग रहा है? नहीं, खान सर नहीं उसका है, कोई टीचर उसका है नहीं है, अपनी हक की लड़ाई लोग लड़ रहा है। सरकार, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम क्या है इसके, क्या तो खान सर के पक्ष में स्टूडेंट उतरे हैं क्या, क्या लगता है? एकदम उतरेगा लोग, क्यों नहीं उतरेगा? खान सर हमारे गुरु हैं,
और गुरु कभी कोई गलत नहीं सिखाता है। ये भारत है, भारत में गुरु शिष्य की परंपरा हमेशा से रही है, इस परंपरा को हमेशा लोग निर्वाह करता रहा है और गुरु शिष्य कभी परंपरा इतना ख़राब नहीं हुआ है। थैंक यू। खान सर इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, उस सिर्फ लड़के के साथ दे रहे हैं और इसमें सर का कोई आरोप है कि वो जो ऐसी हुआ है जो हंगामा जो हुआ उसको उकसाने का काम किया? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, तो क्या स्टूडेंट लोग स्टूडेंट लोगों को लगा ये गलत है इसलिए अपने स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर के इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया? तो अब क्या लगता है कि स्टूडेंट लोग अब सर के पक्ष में आएंगे? जी, अगर गलत होगा तो सर को अगर गलत फंसाएंगे तो जरूर उसमें आएंगे सर के पक्ष में। मैं नहीं भूला हूं कि 2019 से लेकर लगातार ये छात्र ट्विटर पर संघर्ष करते रहे, सोशल मीडिया पर मांग उठाते रहे कि जल्दी एग्जाम्स कराओ कराओ। पहले तो इनकी मांग को अनसुना कर दिया गया और उसके बाद जब परीक्षा हुई तो ऐसे हुई कि सब हक्का बक्का रह गए, यानी कि हर तरफ से उन्हें फ्रस्ट्रेट करने का एक प्रयास किया गया। मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, आप जब लगातार किसी को, एक अंग्रेजी में एक्सप्रेशन होता है इफ यू पुश देम अगेंस्ट द वॉल, यानी कि लगातार आप उन्हें टॉर्चर करेंगे। आप जानते हैं पिछले 50 सालों में इस देश में वैसे ही बेरोजगारी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तब आप उन छात्रों से क्या उम्मीद करेंगे? आज वो छात्र अपने प्रोफेसर्स, अपने उन टीचर्स के साथ खड़े हैं। सुनिए कुछ और छात्रों को। युवा बेरोजगार है, मूर्ख नहीं है, समझ गया? इसमें एक भी मूर्ख युवा नहीं है, जो कि मूर्खों का ये आंदोलन नहीं है, ये पढ़े लिखों का और अपने हक के लिए है। तो कहीं से कोई ये नहीं है कि खान सर या किन्हीं भी टीचर का कोई अथी है। हम लोग पढ़ लिख के अपना हक मार रहे हैं तो उसको चुभ रहा है, यही साल नहीं पढ़े लिखे रहते, मूर्ख रहते तो ठीक है, उसका झंडा ढोने में काम आते, धंधा ढोने में काम आते। आज पढ़ लिख लिए हैं तो नहीं जाएंगे तो ये चीज चुभ रहा है। वो चाहता है कि सारे युवा को बेरोजगार रखा जाए, तो क्योंकि ये इसको एक काम दिया जाएगा, झंडा उठाने वाला रैली में, आओ रैली में झंडा उठाओ। अभी तो अभी कहाँ ये प्रोटेस्ट तो सही है कि लीडर विदाउट लीडर हो रहा था, अगर विथ लीडर होता तो पहले दिन लीडर को उठाता और ये प्रोटेस्ट खत्म, हम लोग को क्या मिलता? वैसे भी पटना में सारा स्टूडेंट है कहाँ? मात्र 30% स्टूडेंट पटना में रुका हुआ है, 70% स्टूडेंट घर गया है कोविड की वजह से, कोचिंग बंद है, 70% स्टूडेंट घर गया है, 30% स्टूडेंट यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ के पुलिस चाहती है, सरकार चाहती है कि यही 30% को मारने में आसानी होगा, भीड़ तो है नहीं, इसी को मार के या प्रोटेस्ट को दबाया जाए। इतना न्यूज वायरल हो रहा है, इसमें खान सर का कोई हाथ नहीं है। खान सर क्या, या विपिन सर हो, झा सर हो, या नवीन सर हो, कोई भी हो, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। तो ये सिर्फ युवाओं का रैली है और युवा ही है इसमें। अच्छा, ये बताइए आंसर पर जो FIR हुआ है या और भी 6 टीचरों पर हुआ है, क्या स्टूडेंट इस पर भड़क सकते हैं? हाँ बिल्कुल, भड़केंगे हम लोग। हाँ क्यों नहीं, हम लोग के लिए जब सर खड़ा हुए तो हम लोग भी सर के लिए खड़े रहेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये सरकार सोचती कैसे है, कैसे काम करती है? यानी कि अपनी गलतियों को समझना तो बहुत दूर की बात, अब आप प्रोफेसर्स पर जो केस दर्ज करेंगे, इनमें से एक जो खान सर हैं वो खासे लोकप्रिय हैं YouTube और सोशल मीडिया पर। अभी कुछ देर पहले मैंने उनका एक वीडियो सुना, 26 जनवरी को जारी किया गया वीडियो था, उसमें वो बाकायदा कह रहे थे कि भाई 26 जनवरी के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक शख्स लगातार कह रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो जब उसने इस तरह की अपील की तो जाहिर सी बात है वो उसका हिंसा में नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई प्रोफेसर यह कह रहा है कि हमें किसानों से सीख लेनी चाहिए, किसान आंदोलन सत्याग्रह की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई यह कह रहा है कि आप सत्याग्रह से सीख लीजिए तो वो क्या गुनाह हो गया? बताइए, अब मोदी राज में या भाजपा के राज में सत्याग्रह शब्द वो भी गुनाह हो गया है? क्या कह रहे हैं छात्र, सुनिए उनकी आवाज। दंगा है इसके पीछे तो कोई इंडिविजुअल का हाथ नहीं है, ये तो पूरे जैसे पूरे छात्र का जो हक था उसके लिए छात्र लड़े। यदि खान सर पे मेनली या 2-4 टीचर की बात किया जाए तो इनमें किन्हीं का हाथ नहीं है, समझे ना? ये पूरे हर एक छात्र के बारे में है, इसलिए वो अपना हक मांग रहे हैं और कोई बात नहीं। यदि खान सर पे बहुत सारे जो आरोप लगाए गए हैं, हमको लगता है या बहुत सारे सभी छात्रों को लगता है बेबुनियाद है।
अच्छा अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो छात्रों में क्या है? छात्रों के साथ साथ हम लोग बात करें जो नहीं भी पढ़ते हैं ना, वो उनके सपोर्ट में आएंगे। यहाँ तक कि जो रोड पे उतर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के हम लोग के गार्जियन है जो गाँव में उनका वीडियो देखते हैं, वो भी सड़क पे उतर जाएंगे, क्योंकि ये बेबुनियादी है। छात्रों जब छात्र राजेंद्र नगर में थे तो कहाँ, वहाँ तो कोई नहीं था। वहाँ जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपका लीडर क्या है, तो क्या बोल रहे छात्रों ने कि नहीं हमारा कोई नेता नहीं है, और कोई भी नेता सामने आया था बात करने के लिए? वहाँ तो कोई नहीं था, और ये सरासर गलत है। जबकि वहाँ के डीएम और एसपी दोनों साहब ने स्पष्ट किया था कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नेता नहीं है, ये छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन ही था। और ये छात्र आंदोलन बढ़ते बढ़ते पूरे देश में बढ़ गया है, जिसके कारण पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बहुत शर्म की बात है दोस्तों कि आवाज उठाना एक गुनाह हो गया है, और आज ही मैंने एक शो किया था आपके सामने, नौकरी दो हिंदू मुस्लिम जहर मत दो, और उसका मकसद क्या था? यह देश पिछले 7 सालों में जो भी आंदोलन करता है, या तो उसे मजहब से जोड़ दिया जाता है या फिर अराजक तत्वों से। मुसलमान सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से शाहीन बाग आंदोलन करता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत आंदोलन था, तो उसे पाकिस्तानी बता देना। यह कहना कि वहां की महिलाएं 500-500 रुपए की बिरयानी खाने के लिए आ जाती हैं, इस तरह से तुम उन्हें जलील करते हो। किसान आंदोलन करता है, वो सिंगू बॉर्डर नहीं पहुंचता है तो यह कह दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो खालिस्तानी है। कितना उकसाया था तुमने, कितना भड़काया था उन किसानों को, खालिस्तानी बताया था, उसके 700 लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री कहते हैं वो 500 लोग मेरे लिए थोड़ा मरे थे। अरे फिर भी वो हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहा है, फिर भी वो हिंसा का रास्ता नहीं अपना रहा है, और तुम जो हो लगातार उन्हें गालियां दे रहे हो, उस पर निशाना साध रहे हो। बहरहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसका सूत्र मोजो है, इसमें आप वो खान सर को देख सकते हैं। ये कल का वीडियो है, और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो गायब हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। हालांकि पटना में एक वरिष्ठ पत्रकार का मुझसे कहना है कि इनमें से कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो भाजपा के बहुत करीबी हैं, मसलन ये जो खान सर हैं ये बीजेपी के बहुत करीबी हैं, सुशील मोदी इनको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये भी फरमान जारी किया गया है कि उन पर कोई कड़ी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि छात्र और भड़क सकते हैं, उन्हें डर उत्तर प्रदेश चुनावों का है। मतलब समझ रहे हैं साहब आप? मतलब स्पष्ट है कि इन्हें सिर्फ सियासत समझ आती है, वोट्स की राजनीति समझ आती है, जो कितनी बड़ी त्रासदी है। एक सरकार को हमसे मुद्दे पर संवाद करना चाहिए, मगर यह सरकार सिर्फ वोटों की राजनीति समझती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।